बिहार के पटना में आयोजित दो दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी में राज्यपाल फागू चौहान पहुंचे और किसानों के लिए आयोजित इस प्रदर्शनी का विधिवत रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां बामेती में ग्रामीण आजीविका में सुधार एवं सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकियां विषय पर आयोजित दो दिवसीय किसान मेला कृषि प्रदर्शन में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद ही किसानों के लिए आयोजित इस मेले का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने सभी कृषि काउंटर पर जाकर मुआयना भी किया। इसके बाद बामेती में सभागार में बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर भागलपुर के द्वारा आयोजित किसान मेला 2022 कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने अपने विचार रखे। विद्यालय सबोर भागलपुर द्वारा राज्य मुख्यालय पटना में दो दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आज इसका समापन हो रहा है। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबोर ने की प्रदेश के अन्नदाता किसानों के आमदनी बढ़ाने तथा ग्रामीण आजीविका में सुधार सुरक्षा के लिए नई तकनीकी विकसित करके युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया है। इस किसान मेले के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बिहार के प्रत्येक जिले के लिए एक एक कृषि उत्पाद का चिन्हित किया गया है और विद्यालय ने इन्हें उत्पादों को प्रोत्साहन भंडारण विपणन आदि के लिए उन्नत तकनीकी एवं प्रदर्शन इस कार्यक्रम में किया गया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विद्यालय के प्रयास से बिहार के विख्यात जरदालू आम, कतरनी धान, मकई पान एवं फाई लीची को पैसे सूचक प्राप्त हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार कृषि के क्षेत्र में 6 बार देश में बेहतर प्रदर्शन बिहार प्रदेश कर चुका हूं और बिहार कृषि के क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहा है और इसमें बिहार के कृषि वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए पटना से गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट।